मेरी सिंपल सी एक फिलॉसफी रही है, विद यू विदाउट यू. मुझे सक्सेसफुल होना है विद यू विदाउट यू, चॉइस आपकी है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्रोस्पेक्ट है संदीप जी. सो मैंने संदीप भाई को प्लान दिखाया. अब मैंने इनको प्लान दिखाया, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं. मैंने कहा भाई आओ दोनों मिलकर सक्सेसफुल होते हैं, दैट बिकम्स विद यू. सपोज इनका विजन नहीं बनता, ये ज्वाइन नहीं करते, तो मुझे इनसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं. देन मेरी अनदर प्रिंसिपल से पार्ट टू आ जाएगा विदाउट यू, मतलब मैं सक्सेसफुल होऊंगा आपके बिना. भाई चॉइस आपकी है. सेम वे ज्वाइन करने के बाद ये मेरी डाउनलाइन है, मान लीजिए मैं ये इकट्ठा काम कर रहे हैं, बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, तो भी मेरी फिलॉसफी सेम है. हम सक्सेसफुल होंगे, मुझे सक्सेसफुल होना है विद यू, मेरी पहली कोशिश है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, मैं उससे डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा. देन आई विल बी सक्सेसफुल विदाउट यू. तो सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है, आई हैव टू बी सक्सेसफुल विद यू विदाउट यू. वो चॉइस सामने वाले प्रोस्पेक्ट की है, सामने वाले डाउनलाइन की है. यू कीप ऑन गोइंग, आप अपनी राह पर चलते रहिए, आप कैरी ऑन करते रहिए. दैट्स व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट. सो अगर आप ये सिंपल सी कुछ फिलॉसफी पकड़ के चलोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से.